नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है अगली दीपावली आप सब लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ही सेलिब्रेट करें। ऐसे ही शुभाशीष है मेरी तरफ से, और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोग खूब मन करके मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। यदि आप मेहनती हैं, लक्ष्य को लेकर बिल्कुल जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बात में कोई भी किसी प्रकार का मन में कोई संदेह, कोई डाउट, कोई डर नहीं लेकर आए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेजर इंडियन राइटर्स में। नेक्स्ट वन शशि देश पांडे के बारे में। तो शशि देश पांडे के बारे में 7 to 8 कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। मेजर इंडियन राइटर्स में हमारे नेक्स्ट वन है शशि देश पांडे, बोर्न इन 1938। फर्स्ट क्वेश्चन, शशि देश पांडे बोर्न इन धारवाड़ कर्नाटका इन 1938, मींस कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट नोवेल अगर बात करें शशि देश पांडे, फर्स्ट नोवेल इज द डार्क होल्ड्स नो टेरर। फिर से देख लें, शशि देश पांडे फर्स्ट नोवेल इज द डार्क होल्ड्स नो टेरर। और इसमें आप एक अच्छे से देख लें, इनका जो फर्स्ट नोवेल था इसमें मेन कैरेक्टर यदि आपको पूछ ले तो मेन कैरेक्टर थी इसमें सरिता। शशि देश पांडे फर्स्ट नोवेल इज द डार्क होल्ड्स नो टेरर एंड मेन कैरेक्टर इज सरिता इन दिस वन। मूव करेंगे थर्ड वन, सी गॉड पद्मश्री अवार्ड इन 2009। शशि देश पांडे को पद्मश्री अवार्ड मिला था 2009 में, मींस ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, थीम ऑफ हर फर्स्ट नोवेल। यदि बात की जाए उनके फर्स्ट नोवेल के थीम की, यानी फर्स्ट नोवेल कौन सा था, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इसमें जो थीम की वो देख लें आप, थीम ऑफ हर फर्स्ट नोवेल इज प्रॉब्लम्स ऑफ अ मिडिल क्लास वुमन। प्रॉब्लम्स ऑफ अ मिडिल क्लास वुमन, मध्यम वर्ग की महिला जो है उसके साथ उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की, मींस उन्होंने फेमिनिज्म के बारे में चर्चा की। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990। फिर से देख लें, सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990 फॉर हर क्रिएशन दैट लॉन्ग साइलेंस। फिर देख लें, दैट लॉन्ग साइलेंस इस क्रिएशन के लिए इनको 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और यदि बात की जाए दैट लॉन्ग साइलेंस की मेन कैरेक्टर की, तो इसमें मेन कैरेक्टर थी जया। फिर से देख लें, फर्स्ट नोवेल द डार्क गॉड्स ऑफ नो टेरर था, इसमें मेन कैरेक्टर थी सरिता, और दैट लॉन्ग साइलेंस में मेन कैरेक्टर थी जया। जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि इन्होंने फेमिनिज्म बेस्ड क्रिएशन से राइट डाउन की है। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्टलिस्टेड फॉर, मींस शशि देश पांडे शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014। थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। यदि पूछ ले आपको कि शशि देश पांडे, या फिर अगर आपको 4 राइटर्स के नाम देके पूछ ले कि इनमें शॉर्ट लिस्टेड आपके द हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट कौन हुआ था, तो आपका आंसर होगा शशि देश पांडे, शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014। वो करेंगे नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कलेक्शन, शशि देश पांडे ऐसे कलेक्शन, यदि बात की जाए शशि देश पांडे के ऐसे कलेक्शन का टाइटल क्या था, एंड द टाइटल ऑफ शशि देश पांडे ऐसे एज ए कलेक्शन इज राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज। फिर देख लें, ऐसे कलेक्शन ऑफ शशि देश पांडे इज राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज। एंड द लास्ट वन, सी राइट्स अबाउट, ये भी आप कह सकते हो एक तरह से जो थीम है इनकी वो थीम बेस्ड क्वेश्चन है, मींस शशि देश पांडे की जो क्रिएशन है उनकी थीम क्या रही है, और उनकी थीम जो है वो है आपके फेमिनिज्म, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है। और आप देख रहे हैं इनकी जो फर्स्ट नोवेल की क्रिएशन थी, इनका जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसे इनके क्रिएशन के लिए मिला, उसमें भी आप देख सकते हैं मेन कैरेक्टर इसमें सरिता और इसमें इसमें जया, जो कि दोनों ही आपके वुमेन कैरेक्टर हैं। तो इट मीन्स सी ऑलवेज राइट्स हर क्रिएशन से विच आर बेस्ड ऑन फेमिनिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, माने वर्क लिंग भेद पे आप कह सकते हैं, लिंग भेद पे भी इन्होंने लिखा है, एंड मैरिटल डिस्कॉर्ड
मेल एग्यूमेन। इस प्रकार से ये देखने उनके थीम की बात करें शशि देशपांडे की, जो भी क्रिएशन है उनकी थीम कौन कौन सी है, फेमिनिज्म में, सी रॉट अबाउट फेमिनिज्म में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड ए मेल हेगेमनी। तो इस प्रकार से ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शशि देशपांडे के बारे में। और साथियों मैं फिर से जैसे कि हर बार आपको कहता हूँ, इसी शशि अगर बात की जाए बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो शशि देशपांडे के लिए मैं आपको 25-30 क्वेश्चंस भी राइट डाउन करवा सकता हूँ, बट उनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं उनका, बिकॉज हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है जो कि हमें एग्जामिनेशन में देखने को भी मिले, हमें इजी वे में याद भी हो सके, हमारे माइंड में ज्यादा बर्डन भी नहीं हो और हमारे सिलेक्शन को भी सुनिश्चित कर सके। जैसे कि हमेशा से यही प्रयास रहा है और बार बार जैसे कि आपको कहता आया हूँ, हर बार यही प्रयास रहा है और यही प्रयास रहेगा, ऐसे ही क्रिएशन आपके लिए क्वेश्चन लेकर रहा हूँ जो कि आपके चयन को सुनिश्चित कर सके। इसी दिशा में बार बार प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और जैसे ही हमारे मेजर इंडियन राइटर्स का आपका जो सेशन फिनिश होगा, इसके बाद हम मूव करेंगे मेजर लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में, देन फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन के बारे में। तो ये आज के सेशन में हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया आपके 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अबाउट शशि देशपांडे। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथियों पूरा प्रयास करना कि नेक्स्ट टाइम आप लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टीचर के रूप में ही आपकी दीपावली को सेलिब्रेट करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।